हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल गो टू क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम ये दो रंगों का स्टार वाला डोरमेट बनाना सीखेंगे, जिसे मैंने 36 फंदों में बनाया है और इसे मैंने चार चार के प्लस के जोड़े से बनाया है। इसे हमें यहाँ स्टार्टिंग में जब हम डालेंगे तो यहाँ पे दो हमें छोड़ना है और दो यहाँ हमें छोड़ना है। इस हिसाब से हम चार चार के फंदे के लगा के बना सकते हैं। इसे हम जैसे 36 फंदे में बनाया है तो आप इसे 40, 44, 48, 52, 56 फंदे में बना सकते हैं। ये देखिए 36 फंदों में मीडियम आकार का डोरमेट बनता है। इसे मैंने दो साड़ियों से बनाया है, तो चलिए हम इसे बनाना सीखते हैं। इसे मैं आपको 9 नंबर की सिलाई से बनाना बताऊंगी। अगर आपके पास 6 नंबर की सिलाई है तो आप उससे भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसे मैं आपको 16 फंदों में सिखाना बताऊंगी इस डोरमेट को। तो हम फंदा डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक नॉट बांध लेंगे और फंदा डालना शुरू करेंगे। देखिए फंदा कैसे डाल रहे हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये हमारे 16 फंदे डल गए हैं। अब हम डिजाइन डालना शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, हम पहले ही फंदे से अपना डिजाइन डालना शुरू करेंगे और ये एक्स्ट्रा धागा हम इसको काट लेंगे और पहले फंदे से हमें दूसरे रंग के कपड़े की पट्टी को इसमें लगाना है। दो फंदा हमें दूसरे रंग की पट्टी से बुनना है, तो हम ऐसे इसमें मुरेट लेंगे। ये हमारा दो फंदा बन गया है। अब इसके बाद हमें ये लाल वाली जो पट्टी है इससे हमें उल्टा बुनना है। यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि हमारा दो फंदा यहाँ पे रहेगा, छूटेगा, और यहाँ पे दो छूटेगा। देखिए ये हमारी पहली सिलाई है। ये मैं बहुत आसान तरीके से आपको सिखा रही हूँ। ये देखिए हमारा लास्ट में दो फंदा छूटा है। अब इसको छोड़ना है और यही से हमें कपड़े की पट्टी को पीछे पलट के दूसरी साइड घूम जाना है। और इस साइड हमें अभी कुछ नहीं करना है। अभी हम इस साइड को हमें बस उल्टा उल्टा बुनना है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए यहाँ पे इस वाले पे हमें कपड़े की पट्टी को पीछे करना है और इस ग्रे वाले जो कपड़े की पट्टी है इसको आगे करना है और इसको हमें इसी रंग के कपड़े की पट्टी से बुनना है। ये देखिए ये हमारी दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब देखिए क्या करना है। ये पहला फंदा जो हमें ऐसे उतार लेना है
और इसको खींच के कपड़े की पट्टी को आगे कर लेना है और इसको बुन लेना है। अब यहाँ से हमें हर बार दो दो आगे रेड कलर को इस ग्रे वाले पट्टी के फंदे से बदलना है। ये देखिए फंदा इस ग्रे वाले से, देखिए अब ये देखिए यहाँ पे ये दो हमने पहले छोड़ा था, ये दो अब हमने छोड़ा है यहाँ पे। अब इसके बाद हमें रेड वाले पट्टी से उल्टा बुनना है। अब देखिए यहाँ पे पहले हमने पहले सिलाई में दो छोड़ा था, फिर अब दो यहाँ छोड़ा है। वैसे ही हमने पहले सिलाई में यहाँ पे दो बुना था, यहाँ से आगे बढ़ते जाना है और यहाँ से छोड़ते जाना है। अब यहाँ से हमें कपड़े की पट्टी को पीछे पलट के घूम जाना है और इसे हमें उल्टा बनाना है। ये देखिए कपड़े की पट्टी पीछे कर लीजिए और इसको कपड़े की पट्टी को आगे करके इसे हमें ग्रे करना है, ग्रे कलर को बुन देना है। जो जिस कलर का है उसी कलर में इसको बुनना है। अब यहाँ देखिए ये हमारी डोरमेट की उल्टी दिशा है। ये देखिए ऐसे हमको ऐसे निकालना है यहाँ पे ताकि ये सीधी चैन आ जाए, यहाँ पे सीधा चैन। और कपड़े की पट्टी को आगे करना है, हमें उल्टा बुनना है। अब दो और बुनना है इसमें हमें, ये देखिए ये दो और बुने हैं। अब इसके बाद हमें रेड वाले पट्टी से बुनना है। अब देखिए यहाँ पे दो छोड़े थे, दो और छोड़े हैं, दो और छोड़े हैं, छह छोड़ दिए हम। इसके बाद हमें पलट के दूसरी दिशा में चले जाना है। यहाँ से हमें उल्टा बुनना है। ये हमारे डोरमेट की सीधी सीधी वाली दिशा है। अब देखिए यहाँ पे कपड़े की पट्टी को पीछे करना है और यहाँ से ये ग्रे वाले कपड़े की पट्टी को आगे करना है और जो जिस कलर का है उसी कलर में बुनना है। ये देखिए इसको हमें सीधे उतार लेना है और उल्टा उल्टा बुनना है। अब इसमें हमें दो और ग्रे कलर बनाना है। ये देखिए दो के दो चार, दो तय छः, दो चौके आठ, दो के दो चार, दो तय छः, दो चौके आठ। ये हमारे पूरे 16 फंदे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद हमें इसको पलट के इधर वापस घूम जाना है। यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके इसे हम ग्रे कलर के धागे से बुनना है। Cheers.
अब देखिए पहला सिलाई हमें सीधा उतारना है, फिर इसको कपड़े की पट्टी को आगे किए। अब ग्रे कलर का पट्टी जो है उसको बीनते जाना है। अब यहाँ पे थोड़ा अलग है, आप ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे इसको हमें दो छोड़ना है और इस रेड वाले पट्टी को भी हमें साथ में लेके चलना है, इसको भी हमें साथ में लेके चलना है। इसको हमें छोड़ दिए और रेड वाली पट्टी साथ में लेके वापस आ गए। पहला फंदा उतारना है, पट्टी को आगे करना है। अब इसको हम ग्रे वाले पट्टी को हमें दो दो की संख्या में छोड़ते हुए जाना है और इधर से रेड वाले जो है पट्टी इसको हमें साथ में लेके चलते रहना है। ये देखिए इसको डाल के इसे करके वापस हो जाते हैं इस साइड। ये देखिए पहला सिलाई फंदा उतारना है हमें, पट्टी को आगे करना है और फिर हमें इसको बुन लेना है। इसके बाद इस रेड वाली पट्टी को इसमें फंसा कर इसको आगे कर लेना है अपनी तरफ और पट्टी साथ में लेके चलना है। ये देखिए इसको बुन लेना है, देखिए इसमें। अब इसको पहले वाला फंदा उतारना है, तो अपने धागे को अपनी पट्टी को अपने आगे करना है। अब इस रेड वाले पट्टी से हमें बुनना है, किनारे का एक ग्रे कलर हमको चैन के लिए छोड़ देना है। आप चाहे तो दो ठो छोड़ सकते हैं लेकिन हम एक छोड़ेंगे। रेड से बुनते हुए पूरा लास्ट तक चले जाना है। देखिए इस फंदे को हमें नहीं बुनना है, इसे उतार लेना है और फिर इसको हमें बुन के आगे तक जाना है। इसमें हमें क्या करना है, इसको कपड़े की पट्टी को पीछे पलट के और इसे ग्रे वाले को आगे करके इसको उल्टा बीनना है। अब देखिए जैसे हम पहले किए थे वैसे हमें फिर करना है। स्टार्टिंग में जैसे किए थे पहले फंदे को उतार लेना है, कपड़े की पट्टी को आगे करना है और इसमें एक ग्रे कलर बीनना है ताकि हमारा दो हो जाए यहाँ पे। अब इसके बाद हमें रेड पट्टी से बिनना है, यहाँ से हमें दो दो करके आगे इस कलर से बढ़ते जाना है और यहाँ पे हमें दो दो छोड़ते जाना है। यहाँ पे हमें लास्ट में आके दो छोड़ना है, इसलिए हमें ये हमेशा चार के
फंदों से के सहायता से हिसाब से मतलब हमें फंदा लेना है। ये मैं आपको 16 फंदों में सिखा रही हूँ। यहाँ देखिए हमें इसको उल्टा बिन के यहाँ तक कुछ नहीं करना है, सीधे हमें बस उल्टा बिन लेना है और यहाँ पे हमें ग्रे कलर की पट्टी से बदल के लगाना है। मैं आपको इतना करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें कपड़े की पट्टी को पीछे करना है और ग्रे वाले पट्टी को आगे करना है और इसको जो ग्रे कलर का है उसे ग्रे कलर से बुन लेना है। फिर हमें उल्टे वाले दिशा में आ जाना है और यहाँ पे हमें सबसे पहले एक फंदा उतार लेना है और कपड़े की पट्टी को आगे करना है और इसको दो बना है हमारा और दो हमें ग्रे कलर और बनाना है और इसके बाद हमें रेड वाले पट्टी से बुनना है। यहाँ पे हमारी पट्टी ख़त्म हो गई है। इसे मैं आपको पट्टी जोड़ना बताती हूँ। इसको ऐसे इसमें डाल के इसको ऐसे घुरेट लेंगे और इसको ऐसे डाल लें। ये आपका पट्टी लग गया इसमें और यहाँ लास्ट में आकर हमें दो की संख्या में छोड़ना है और इसको हमें वापस पलट जाना है। फ्रेंड, बहुत ये आसान डोरमेट है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखिए, इसे मैंने 36 फंदों में बनाया है। तो इसमें मैंने ये एक फंदा आगे का ग्रे कलर का छोड़ा हुआ है और इसे मैंने दो इधर ग्रे ग्रे करके यहाँ से आगे बढ़ते गए हैं और यहाँ से हमें दो दो फंदा रोकते जाना है। सेम जैसे इसमें मैंने आपको बताया है, सेम प्रोसेस है और सब कुछ आसान तरीके से आप बना सकते हैं डोरमेट। ये बहुत ही सुंदर लगता है और ऐसे ही हमें पूरा डोरमेट बना लेंगे आप। इसे हमें उल्टा बुनना है। मुझे उम्मीद है कि आप ये डोरमेट सीख लिए होंगे। कपड़े की पट्टी को पीछे करना है और ग्रे वाली पट्टी को आगे करना है और इसे हमें चार फंदा ग्रे कलर को बिनना है। देखिए फ्रेंड, ये हमारा डोरमेट बनके तैयार है। ऐसे ऐसे करके हमें दो 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 की संख्या में यहाँ पे ग्रे बढ़ाते जाना है और यहाँ हमें रोकते जाना है। अब इसके बाद फिर ग्रे वाले पट्टी में दो दो की संख्या में छोड़ते हुए निकलना है और इसको ये रेड वाली पट्टी को साथ में लेके हमें चलना है ताकि हम यहाँ से फिर बुनते हुए वापस लास्ट तक पहुँच सकें। फ्रेंड, अब आपको इसको इस डोरमेट को बंद करना सिखाती हूँ। फंदा बंद करना बहुत आसान है, आप ध्यान से देखिए। दो फंदे को हम इसको एक करना है और फिर इस सलाई पे हमें इसको चढ़ा लेना है और फिर हमें दो फंदा लेना है। इसमें मैंने ग्रे वाला कपड़ा भी काटा हुआ है डाल के इसमें बुन रही हूँ और फिर इसको हमें इस पर फंदे पर चढ़ा लेना है, सलाई पर चढ़ा लेना है और फिर हमें दो का एक करना है। ये देखिए, इसे हमें दो का एक करते जाना है, इस फंदा को चढ़ा ले जाना है। ये देखिए, इसी तरह हमें पूरा डोरमेट उतारना है। ना हमें टाइट उतारना है, ना ही हमें ज़्यादा ढीला उतारना है।
देखिए फ्रेंड्स, ये लास्ट वाला जो फंदा है इसको हमें इस पे कपड़े ऐसे डाल के इसको ऐसे हमें बंद कर लेना है। देखिए मैं आपको इसी कपड़े की पट्टी से आपको सिलना बताऊंगी। आप चाहे तो बड़े वाले सुई से और इस धागे से भी सिल सकते हैं, लेकिन ये धागा दिखाई देता है इसलिए मैं इसी कपड़े की पट्टी से आपको सिलना बताऊंगी। और ये इसी में सूजे से आपको सिलना बताऊंगी कैसे सिलाई होता है। और ये सिलाई हमेशा डोरमेट के उल्टे वाले दिशा में होता है, तो मैं आपको इससे आपको सिलना बताऊंगी। देखिए सिलाई हमेशा ये किनारे के छोर से सिलाई करना चाहिए हमें। कपड़े से पट्टी से सिलने से हमारी सिलाई हमें दिखती नहीं है और पता भी नहीं चलता है कि हमने सिलाई भी किया हुआ है। ये देखिए बहुत आसान है सिलना। ऐसे हमें पूरा डोरमेट सिल लेना है अपना। ये देखिए इसे हमारी सिलाई भी नहीं दिखाई देती है, अब बिल्कुल पता भी नहीं चलता है कि हमने डोरमेट सिला। देखिए फ्रेंड, हमारा स्टार वाला डोरमेट बन के तैयार है। ऐसे मैंने अच्छे से सिलाई किया हुआ है और सिलाई बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। अगर ये आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और मेरे बनाने का तरीका आपको पसंद आए और सिखाने का तरीका पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। Without you, I remember myself, my name.